सो फ्रिज में से निकाल रही हूँ पानी, क्योंकि आओ तो प्यास लग जाती है। और मैं तो पी चुकी हूँ बॉटल से ही पानी, और दीवों के लिए निकाल रही हूँ इस टाइम में पानी। तो ये छोटी सी गिलासी जो कि पहले हमारी थी, फिर सोना की हुई, और अब दीव की हो गई है ये। तो ये पानी ले लिया मैंने दीव के लिए, और देख कर आऊँगी अपनी दीव दीदी को पानी सबसे पहले तो। और घर देखकर आप समझ ही गए होंगे मैं आ गई हूँ मम्मी के घर पर, और मैंने लाइट ऑन कर दी। मम्मी से मिलने आई थी, बहुत दिन हो गए। और सबसे पहला काम क्या होता है, हर लड़की का क्या होता है, मम्मी ने बनाया क्या है? तो मम्मी ने बनाया लोबिया और चावल, और ये है चटनी, और ये है खिचड़ी, और साथ में ये है अरहर की दाल। दीव को इसलिए मज़ा आता है यहाँ पर क्योंकि इसको शैतानी करने को मिलती है यहाँ पर बहुत सारी। और ये देखो, यहाँ के खिलौने इसके अलग है, वहाँ के खिलौने अलग है, यहाँ के खिलौने वहाँ के खिलौने यहाँ, बस यही होता रहता है। टिफ़िन और खिलौने इधर से उधर पास होते रहते हैं, और इसको बहुत मज़ा आता है यहाँ पर खेलना। और ये यहाँ के भी इसके कुछ फेवरेट टॉयज़ है जो अलग ही निकाल रखे हैं, और जो ये छोड़ देते हैं खेलना वो उठा के फिर ऊपर रख दिए जाते हैं। तो अभी ये फ़ोन निकला हुआ है म्यूजिकल वाला, ये मौसी लेकर आई थी, ये सब खिलौने भी मौसी लेकर आई थी इसके। ये देखो, ये सोना, कुछ खिलौने तो सोना के हैं जो यहीं पे रखे हैं, वो आती है तो फिर खेलती है। तो ये तो यहाँ रहती ही है, तो ये तो खेलेगी खेलेगी मैडम। और नानी के संग आलू कटवा रही है, ये देखो नानी बनाने वाली है आलू की सब्जी। ये देखो इसकी रेसिपी, अगर आपने नहीं देखी तो मेरे पिछले व्लॉग्स चेक कर। यहाँ देखो ये नानू के साथ लगी पड़ी है, अपने नानू को भी तंग करती है। नानू से कहती है गोदी में लेके कभी फ्रिज के ऊपर से सामान उठवाओ उसे, कभी कहीं से। अरे देखो नानू भी इसके संग बच्चे बन जाते हैं। और नानू को हो रहा बुखार, फिर भी नानू की परेड करवा रही है ये, और नानू से कह रही है ऐसे बैठो जैसे मैं बैठी हूँ। ये देखो नानू कह रहे हैं मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है बुखार की वजह से। तो नानू की जो कंधा अपने तरीके से बेचारी दबा रही है मेरी बाबू, और अब नानू का सिर भी दबा रही है। नानू को बहुत प्यार करती है, आती ही पूछती है नानू कहाँ हैं, मामा कहाँ हैं, और बिस्किट ढूंढ रही है नानू के लिए, मुझसे पूछ रही कहाँ है मम्मा। जो है इसको साइकिल याद आ गई सोना की, तो कह रही है निकाल के दो। सामने वाली ताई जी आई थी तो फिर उन्होंने इसको निकाल के दी है। इसकी साइकिल भी है यहाँ पर, बट आज इसको ये ही वाली चलानी थी, और बड़ी ही खुश है ये। सो मैं इसको चिढ़ा रही हूँ कि भाई देख मैं सोना को वीडियो बना के भेज दूँगी, और सोना गुस्सा हो जाएगी कि दीव मेरी साइकिल चला रही है, क्योंकि वो भी छोटा बच्चा है और बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके पॉजेसिव है। और ये सामने वाली ताई जी हैं, सामने ही रहती हैं, और बस शाम को आ गई थी टहलते हुए, बिल्कुल सामने ही रहती हैं। तो दीव मैडम के संग खेलने में ये भी व्यस्त हैं। देख सकते हैं टाइम जो है 7:30 बजे का हो रहा है, और कैमरा जो है मैंने बिल्कुल ही क्या कहते हैं जूम करके टाइम दिखाया था आपको, और ऊपर ना ट्यूबलाइट लग रही थी तो शेड पड़ रही थी। तो ये है मेरा आज का डिनर, लोबिया चावल जो मैं खा रही हूँ, यहीं से खा के जा रही हूँ, लेके नहीं जा रही खाना, और जल्दी जा रही हूँ, अंधेरा हो रहा है, खा के जा रही हूँ मैं बस, क्योंकि बारिश की वजह से लाइटें भी नहीं जल रही, स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ फॉल्ट वगैरह हो गया। तो वेलकम टू माई चैनल दीपक दिया खन्ना। सो गाइज, आज जो मैं अपना ब्लॉग है वो शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। शाम क्या 8 बजने वाले हैं, 5-10 मिनट हैं 8 बजने में, तो रात ही हो रही है। और मम्मी के घर गई थी, जैसे कि आपने अभी देखा मम्मी के घर पे गई थी, और मम्मी को भी बुखार हो रहा है, पापा को भी बुखार हो रहा है, तो बस मैं इसलिए चली गई थी। और शैंकी आ चुका है दिल्ली से, दीव भी गई थी, दीव भी गई थी, दीव को भी हो रहा है भाई हल्का हल्का सा, हमारी दीव को भी हो रहा है बुखार, दीव बोल रही है हाय, बोल दो सबको, कुछ कैसे हो। तो दीव को मैंने दवाई दी थी और इसको मैंने सुला दिया था, और इसके साथ साथ मैं भी सो गई थी, बट हाँ 15-20 मिनट ही मैं सोई होंगी, ट्यूशन के बच्चे आ गए फिर मैं उठ गई। और उस टाइम जब 15-20 मिनट की नींद लेके उठना जो होता है ना, वो बड़ा ही डिफिकल्ट काम होता है, फिर उसके बाद जो चिड़चिड़ापन शुरू होता है ना, तो वो लगा ही रहता है। अभी भी मेरा बस एक मन कर रहा है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग सी एक थम्सअप मिल जाए, तो जिससे मैं भारीपन हो रहा है ना वो ठीक हो जाए मेरा। नहीं कहा नहीं
फ्लू वाली चिड़चिड़ी हो रही थी आज, पता नहीं गर्मी की वजह से, बुखार की वजह से गर्मी भी लगती है। अब इसको थोड़ा सा मूड ठीक हुआ है, इसको मैं बाजार लेकर गई, चीज़ दिलवाई, फिर नानी के घर ले गई, और फिर उस दिन उसके बाद दोबारा इसको थोड़ी सी चीज़ दिलवाई है। खाएगी कुछ नहीं, बस पैकेट खोला और ये। तो मैडम देखो अभी भी जो है ये खिलौने फैला के बैठी हैं यहाँ पे, और वो पीछे भी खिलौने भी वो खिलौने हैं, वो पन्नी में पता क्या है, पन्नी में चप्पलें हैं, चप्पलों से भी खेल लिया, अपनी जो हवाई चप्पल है उनसे भी खेल लिया। मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि कई लोग कह रहे हैं अरे खिलौने दियू को खेलते हो तो दिखाया करो, तो दियू ना खेलती है खिलौनों से, बहुत खेलती है। ये घर जाती है, इसे घर जाती है, वो अपनी टोकरी चाहिए, घर के खिलौने इसके अलग हैं वहाँ के, और यहाँ के इसके खिलौने अलग हैं। लेकिन ये करती क्या है, पर्टिकुलर इसको जो खिलौने, जो नए खिलौने हैं उनके संग ही खेलना शुरू करती है। तो वो एक जगह रखे जाते हैं ना, तो खिलौने क्या होता है, ये सारे ही उठा के लाती है, सारे ही पलट देती है, हमेशा मिक्स एंड मैच हो जाते हैं। तो मैंने बस वो अलग अलग करे थे, वरना इसके इस टाइम ये वाले खिलौने खेल रही है, ये वो केक और बर्गर वाले खेल रही है, डॉक्टर सेट निकाला हुआ है इसने, और अब वो फ्रूट्स वाले, कटिंग वाले, बस ये इन खिलौनों से खेल रही है आजकल। ये चार खिलौने इसको बहुत पसंद आ रहे हैं, तो बाकी मैं इनका फ्रूट उठा के रख देती हूँ जब इसको खेलना ही नहीं है। अदरवाइज़ ये दिन में 7-8 बार खेलती है, मैं कितनी बार दिखाऊंगी आप लोगों को, आप लोग भी कहोगे कि आप बेटी ही है, सबके पास बच्चे होते हैं, सबके पास खिलौने होते हैं, क्यों इतना शो कर रही है, फिर सब ऐसे ही बोल देंगे। मैं इसलिए नहीं दिखाती, और खेलती बहुत खेलती है ये, इसको खिलौनों ही खिलौनों से ही खेलना पसंद है, और ऐसा नहीं है कि इसको खेलना पसंद है मैं इसको दिलाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे के पास हर चीज़ होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए, मुझे ये लगता है। इसको नहीं पता कि बाजार में, मार्केट में कौन सा खिलौना नया आया है, कौन सा नहीं आया है, मुझे पता है, और मेरी कोशिश रहती है कि सबसे पहले मैं ही इसे दिलाऊं, और मैं ऐसे शो नहीं करूंगी कि दियू के पास ये है, दियू के पास है, लेकिन मेरे घर के आसपास किसी भी के बच्चे के पास कोई खिलौने नहीं होते, तो जो दियू के पुराने हो जाते हैं मैं वो दियू के खिलौने दे देती हूँ। कपड़े मैं किसी को नहीं देती, कपड़े भी यहाँ पे किसी के पास नहीं है, बट मैं कपड़े दियू के नहीं शेयर करती। कहते हैं पहले बच्चे के कपड़े, जूते, चप्पल कभी भी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, तो बस मैं वो नहीं करती, बाकी खिलौने वगैरह मैं दे देती हूँ, वरना यहाँ पे मेरी सोसाइटी में किसी के पास इस तरीके से नहीं है। और लेकिन दियू बाहर निकलती नहीं है, मतलब इस तरीके से निकलती, हमारे साथ निकलती है, तो हम भी इतना नहीं निकलते, मैं भी इतना नहीं निकलती कि दूसरे बच्चों को फील हो कि इसके पास ये है, इसके पास ये है। ये जाती है नानी के घर, वहाँ खेलती है, वहाँ पर खेलने का स्पेस आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा है, और घर के अंदर भी काफ़ी जगह है, आंगन है, छत पे चली जाती है, बहुत है, इनफ है। और जितना स्टार्टिंग से इसको हैबिट डलेगी ना, आगे तक फिर वही आदत चलेगी, शुरू से अंदर रहेगी तो फिर अंदर ही रहेगी, और बाकी जो एक्टिव जो है बहुत है, और मैं खुश हूँ, दिमाग इसका पापा वाला ही है और मेरा वाला ही है, है ना, है ना, और बाकी मामा तो है ही इसकी केयर करने के लिए, है ना। मुझे कोई, मुझे ये नहीं है कि इसको मुझको घर में घुसेड़ के रखना है या कुछ करना है, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। लड़की है, जैसे मैं बाहर जाती थी, आती थी, स्कूल कॉलेज बिल्कुल फ्रीडम से मैं रहती थी, मेरे को वैसे ही रखना है, मैं ये नहीं सोचूंगी अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल इसको एडवांस बना के रखना चाहती हूँ। तो बस मैंने कहा चलो शेयर करते हैं, कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं ना बड़े अजीब से लगते हैं, सॉरी बाबू, सो सॉरी, तो बहुत फील सा होता है, कोई ना सिचुएशन समझने की कोशिश नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा बिचारी बन के ना रहूँ, बट लोग क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि अच्छा सॉरी बेटा ऐसे देखो ऐसे गुस्सा कर करके खिलवाती है जबरदस्ती मिलती हूँ थोड़ी देर में, खेल लेती हूँ दियू मैडम के साथ, ठीक है मम्मी दीदी आप
ऐसी पकड़ के खड़ा रहना है ना। सॉरी बाबू, आपने मुझे कुछ गलत नहीं बोला, क्यों बोल रहे हो सॉरी? दीव ने मुझे पे चिल्लाया था ना, इसलिए इसने मुझको प्यार करा। अब मैं ये इसको पकड़ के खड़ी रहूं हैं? तो थोड़ी देर में मिलते हैं यार, हम खेल लेते हैं, मजा मस्ती कर लेते हैं। हाँ फिर से बनाते हैं, चलो। ए, कैसे गिराना नहीं? वाओ डी से दिया, वाओ इतना खुश, इतना खुश। क्या कर दिया दीव ने? मेरी बाबू ने देखो बिल्डिंग बना दी। नो 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 नो, ये जाएगा। वाओ वाओ नो। सो गाइस, यहाँ पर खेल चुकी हूँ मैं दीवू के संग बहुत सारे खेल, और अब मैं बिस्तर लगा रही हूँ क्योंकि टाइम जो हो रहा है वो 8:30 का कुछ का टाइम हो रहा है, और बच्चे अभी सीरियल देख के आएंगे। आजकल बच्चों ने ये रिश्ता क्या कहलाता है देखना शुरू कर दिया है, तो मैंने कहा चलो देख कर आओ, क्योंकि अभी मैंने टीवी का जो है अभी सेटअप बॉक्स वगैरह जो है वो चालू नहीं करवाया। देखती नहीं हूँ, फिर वेस्ट जाता है पेमेंट वगैरह। मैंने 1 महीने चालू करवा के देख लिया, बट करवाऊंगी अब थोड़े दिन बाद। और अभी पता है क्या, अभी चक्कर क्या चल रहा है, केबल बंद बहुत हो रहा है, चैनल्स चल ही नहीं रहे हैं यहाँ पर जितना, मतलब ये नए जो स्टार्ट हुए हैं ना पैकेज का हिसाब, तो कुछ अच्छा सिस्टम सा चल नहीं रहा है। 2 या 3 दिन तो वैसे ही नहीं आते हैं केबल, तो बस थोड़ा इम्प्रूव हो जाए तब मैं करवा लूँगी केबल का, वरना मैं डिश ही लगवाऊँगी। वो 1 साल या 2 साल वाला जो पैकेज होता है वो ही करवाऊँगी। तो यहाँ पर देखो मैंने बिस्तर लगा लिया है, बेडशीट भी बिछा दिया है इसके ऊपर, और जो तकिया है वो भी बिछा लगा दी है। तो अब मेरा क्या काम रह गया, अब मेरा जो काम है मेरे को कपड़े बदलने हैं। मैंने मौसम के हिसाब से ना वो पहन ली थी, फुल स्लीव्स की जो शर्ट थी ये पहन ली थी, कभी कभी पहनने का मौका मिलता है, कॉटन की तो है लेकिन फुल स्लीव्स की है। तो पहले तो अब मैं कपड़े बदलूँगी, तो मैंने जो कैमरा है वो अलमीरा की तरफ फोकस कर दिया है, तो अब अलमीरा से कपड़े निकाल रही हूँ। और गर्मी ना बहुत, मतलब बारिश बहुत हुई है तो गर्मी भी बहुत हो गई है, तो बस अलमारी में से कपड़े निकाल रही हूँ, और हर अलमारी की तरह मेरा भी हाल है। और मुझे कोई शर्म नहीं आती शो करने में यार, बच्चे के साथ मेरे को बहुत जो है ना टाइम लग जाता है। और आज नीचे का पोर्शन इसलिए थोड़ा सा मैसी हो गया क्योंकि दीव के पूरी बाजू के कपड़े निकाले मैंने ढूंढ के, थोड़ा ये जो पजामा पहना है उसने वो निकाला, टी शर्ट निकाली पूरी बाजू की, तो बस पीछे से निकाले कपड़े, तो वही थोड़ा सा मैसी हो गया। ये सुबह सही हो जाएगा। और मैं अपने लिए टी शर्ट ढूंढ रही हूँ, बहुत ही हल्की सी कट स्लीव्स की, और जो ढूंढ रही हूँ वाली टी शर्ट मुझे मिल नहीं रही है, मुझे वही पहननी है। पता है क्यों? क्योंकि दीव को जो है हरारत हो रही है हल्की हल्की, तो कूलर आज बिल्कुल नहीं चलेगा, किसी भी कीमत पे नहीं चलेगा, मैं चलाऊंगी ही नहीं। तो बस मेरे को तो गर्मी लगती है ना, तो बस मैं टी शर्ट हल्की फुल्की सी पहन लेती हूँ, बाकी मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए ना। तो मिल गई मुझे टी शर्ट जो मैं ढूंढ रही थी, और ये बहुत ही लाइट वेट की टी शर्ट है, इसके साथ की एक टी शर्ट और है वो भी बहुत ही कम्फर्ट है। तो बस यही टी शर्ट मुझे ढूंढ रही थी, मुझे मिल गई और मैं पहन लेती हूँ। तो ये देखो ये बहुत कंफर्टेबल है गर्मियों के हिसाब से, और ये मैं घर में ही पहनती हूँ, मैं बाहर नहीं पहनती इन टी शर्ट्स को, क्योंकि हमारे यहाँ की लोकेलिटी ऐसी है। बाकी मैं बाकी सारी टी शर्ट्स वगैरह जीन्स वगैरह सब पहन लेती हूँ। तो अब मैं कर रही हूँ उसे थोड़ी बहुत बातें, और आप पीछे देख सकते हैं सीलन कितनी आ रही है, पीछे कमरा है उसके बावजूद भी सीलन पता नहीं कहाँ से आ रही है, छत से तो आ नहीं रही वरना ऊपर से स्टार्ट होती है आनी, लेकिन नीचे पता नहीं कैसे आ रही है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया ये चीज, क्योंकि कमरा है पीछे और कमरा बंद पड़ा है। तो मैं अभी दीव की भी एक मैंने जो हाफ टी शर्ट थी वो मैंने उतार दी है, और इसका मुंह वगैरह भी साफ़ कर रही हूँ, और बस
जब तक बच्चे नहीं आ जाते हम दोनों ऐसी ही मस्ती करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इससे बातचीत करना। लाइट चली गई थी और लाइट आ भी गई। तो ये दीवार में खेलना शुरू कर दिया है। ये पता नहीं इसने कहाँ से सीखा ये वाला खेल। पहले खेलती थी, अब मैंने बीच में बिल्कुल छोड़ दिया इसके साथ। तो चलिए गाइस, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ कल एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।